देखिए, हमारा इसमें एक ही मकसद और मुद्दा था कि पार्टी का जो विजन था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान होना बहुत ज़रूरी था। वो उसमें तो बिल्कुल मतलब हम कामयाब हो गए। उसके बाद हमारा जो मेन मुद्दा है वो है पीस एंड डेवलपमेंट। पीस तो आपको दिखने को मिल रही है, 2 सालों में आपने पीस को देख रहे हैं आप। और डेवलपमेंट की जब बात आ रही है तो आप आज देखिए कि गाँव में किस तरीके से डेवलपमेंट पंचायत के द्वारा हो रही है। पहले एक एमएलए को जो मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी फंड्स होते थे वो 20-20% लेके अपने वर्करों को देते थे, जो पुराने सियासतदान है यहाँ पे। और आज के डेट में डायरेक्ट गांवों में जाके, ब्लॉक में जाके पैसे और सही तरीके से, अच्छी तरीके से वो यूटिलाइज हो रहे हैं। मैग्नमाइजेशन की बात की जाए तो आप अपने अनंतनाग की बात में कर रहा हूँ, अनंतनाग में पूरे वैली में सबसे ज़्यादा मैग्नमाइजेशन अनंतनाग में हुई है। जो पुराने सियासतदान थे उस समय में, जो यहाँ के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ के जो नेता थे, उस समय में मैग्नमाइजेशन 25 mm थिकनेस हुआ करती थी। 7 सालों में जब से बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी, चाहे एलजी का मतलब अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है, या इससे पहले सरकार थी बीजेपी पीडीपी की, उसमें 80% थिकनेस हुआ करती है। क्योंकि इसका सीधा डायरेक्ट मतलब ये है कि 11 लाख में 1 किलोमीटर तैयार होता था, आज 35 लाख में 1 किलोमीटर तैयार होता है। हम जो काम करते हैं सही तरीके से करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास हम इसलिए जीत रहे हैं कि आज हमने नरेंद्र मोदी की केंद्र में होने वाली जो सरकार है, तो इसमें हमने कितनी मतलब योजनाएं लॉन्च की। आज हर गरीब तक मतलब, चाहे गैस, उज्ज्वला गैस की मैं बात करूं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूं, चाहे आवास योजना की बात करूं, आज आप देख रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक का जो हमारे को हम दे रहे हैं गोल्डन कार्ड के माध्यम से, हेल्थ स्कीम, तो आम गरीब को उसका फ़ायदा मिल रहा है। हमारा सिर्फ यही एक ही मकसद है, डेवलपमेंट और पीस, ये मेन मुद्दा है। और ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है अप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। डेवलपमेंट के लिए ये भी आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोविड की जो महामारी है, इसके बीच में भी अगर आपको कहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज लोगों के बीच में है। चाहे राशन देने का मामला हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, हर लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है आम गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अब रोज़गार का जो आप बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमने कुछ वो क्लास 4 के भी नहीं, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। अभी बैंक में भी जो एडजस्टमेंट हुई है, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट के भी ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे और उसमें काफ़ी लोगों का प्राइवेट तरीके से भी रोज़गार मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।